दोस्तों नमस्कार, साथियों नमस्कार। मोहम्मद रफ़ी साहब की चर्चा एक बार पुनः शुरू करते हैं। न जाने ऐसे कितने गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं जिनकी पलकों की छाँव में आज भी उन गीतों को गुनगुनाया जाता है, याद किया जाता है। जी हाँ, आइए कुछ रफ़ी साहब के ऐसे सदाबहार नगमों को सुनते हैं जो कभी अपनी प्रेमिका को बुलाने में, अपनी दिल की टीस सुनाने में काम आता था। कभी मस्ती में होकर वो गाना गाते थे, कभी एक ऐसा दर्द भरा गीत गा देते थे जिसे सुनकर मन में टीस उठ जाती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे ऐसे नगमे हैं, गीत हैं, जिन्हें आज भी बड़े सुरों के साथ गाया जाता है और बड़े ही रोमांटिक और दर्द अंदाज में सुना जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कभी अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गाना गाया, मस्त बहारों का मैं आशिक, चाहे जिससे प्यार करूं, चाहे दिलों के खाब से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। ऐसे ही अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत सारे गीत गाए। कभी अपनी प्रेमिका के दुख में उन्होंने गीत गाए, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ऐसे ही कभी अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी दिल की आवाज़ लोगों तक सुनाई जब उनकी प्रेमिका उनसे नहीं मिल पाई। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो कभी एक नए अंदाज में अपनी महबूबा को रिझाते हुए गाना गाया, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी, मेरे बाद ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। न जाने रफ़ी साहब ने अपनी महबूब और महबूबा के बीच में से कितने ही ऐसे प्यारे सदाबहार नगमे गाए, उनमें से बहुत सारे गीत हैं। कभी उन्होंने यहाँ पर भक्ति गीत भी गाए, परवरदिगारे आलम मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, परवरदिगार आलम। वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब ने बच्चों के लिए भी बहुत प्यारे गीत गाए।